Hello, my dear students. Today I am going to discuss again revision of maths formula, and it is last video in the series of revision of maths formula. आज इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर कुछ फार्मूलों का रिवीजन, कुछ प्रॉपर्टी का रिवीजन करवाऊंगा, और अब से जो नई प्लेलिस्ट शुरू होगी उसमें सेगमेंट वाइज, चैप्टर वाइज चीजों को डिस्कस किया जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि टॉपिक मैंने लिखा यहाँ सिमिलरिटी का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में समझें, शेप सेम बट साइज डिफर. शेप सेम हो लेकिन साइज डिफर होना चाहिए. जैसे ये हमने एक बॉल बनाई और ये एक दूसरी बॉल है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है. आपने ट्रायंगल, आपने कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी कि जो कॉन्ग्रुएंस होता है उसमें बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसी चीजें होती हैं, बिल्कुल सेम डिक्टो, दे कैन ओवरलैप, नोबडी कैन डिफरेंशिएट इट, कोई भी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. लेकिन सिमिलरिटी में जैसे मार्बल और फुटबॉल, ये दोनों सिमिलर हैं. फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल ट्रायंगल और ये लार्ज ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं. तो सिमिलरिटी का केस क्या होता है कि शेप सेम होता है लेकिन साइज डिफर करता है, तो उसे हम बोलेंगे सिमिलर, दे आर सिमिलर, और उसमें हम ये साइन पुट करते हैं, जबकि कॉन्ग्रुएंस में हम इस साइन को लिखते हैं. कब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, उसकी कंडीशंस क्या है, आइए उसको समझते हैं. कंडीशंस फॉर बीइंग सिमिलर. अब सिमिलर होने की सबसे पहली कंडीशन, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी और एक छोटा सा ट्रायंगल ये बनाया एल एम एन. हमें ये दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं. तो इस में सबसे पहला जो आता है प्रॉपर्टी या कंडीशन वो एस 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 आपको याद आ रहा होगा, ये हमने कांग्रेस में भी बताया था, साइड. यहां पर साइड का मतलब ये होता है कि ए बी अपॉन में एल एम आप लिखेंगे, ए सी करस्पॉन्डिंग एल एन लिखेंगे और बी सी करस्पॉन्डिंग एम एन लिखेंगे. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है रेशियो वाली, तो तुरंत हम कंक्लूजन लिखेंगे. ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन, मतलब ये रेशियो सेम होना चाहिए. ठीक है, तो ये पहली जो आपकी थी वो एस एस की है. सेकेंड, ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड क्या चीज, क्या कंडीशन फुलफिल हो, जैसे आपने कांग्रेस की चार कंडीशंस पढ़ी उसी तरह से इसमें भी कंडीशंस है सिमिलर होने की. तो सबसे पहली है साइड की. सेकंड है डबल ए. डबल ए का मतलब टू एंगल्स. इसको कैसे समझेंगे, आइए जानते हैं. एक हमने ये ट्रायंगल बनाया, देखिए बड़े और छोटे ट्रायंगल तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि फिर वो कांग्रेस हो जाएंगे, फिर वो कांग्रेस की प्रॉपर्टी में चले, और हमें ये बताना है कि ये सिमिलर है. तो अब की बार हमने इसको छोटा कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आप ट्रायंगल छोटा का बना रहे हैं, कौन सा आप बड़ा बना रहे हैं. ये हमने लिखा. अब हम इसमें देखेंगे डबल ए ए ए. तो ए ए का मतलब एंगल. तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एल एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम. तो ये अपने आप ये कंडीशन है, इसी को बोलते हैं एंगल. ये एंगल इस एंगल बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर. तो इस कंडीशन को बोलते हैं डबल ए प्रॉपर्टी
ऑफ बीइंग सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल्स, इसे साधारण शब्दों में हम तुरंत लिख देंगे कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन के, सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन के। ये हो गई कंडीशन नंबर टू। अब कंडीशन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। ये थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन को कहा जाता है SAS कंडीशन। क्या है वो कंडीशन? ए बी सी और एक हमने दूसरा ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर कह दो, एल एम एन कह दो, इट डजंट मैटर, पी क्यू आर ये हमने दूसरा ट्रायंगल, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं। तो देखिए ए बी ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अपॉन लिख देंगे, इनका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए पी आर। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो हो वही ए सी अपॉन पी आर का रेशियो, पहले तो ये हो, एंड दूसरा इसके बीच में जो एंगल हो वो बराबर होना चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अगर ये है सो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिमिलरिटी की तीन कंडीशंस हैं। अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या हो सकता है, क्या प्रॉपर्टीज हम, ये तो कंडीशंस थी सिमिलर होने की, लेकिन अगर सिमिलर है तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आइए उसको भी समझ लें। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे तो और आप अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे। ये हमने बनाया ए, ध्यान से बच्चों इसको देखना है तभी आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। और ये हमने बनाया पी क्यू और ये हो गया आर, ये ए बी सी। देखिए ये लाइन हमने खींची है, आप परिचित होंगे इस लाइन से, ये है मीडियन ए के पी एम। इस लाइन को क्या नाम देंगे बच्चों? मीडियन। हमने आपको बताया था मीडियन क्या करता है, ये सामने की दो साइड्स को इक्वल में बांट देता है। एक और हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया ए एन, ये हो गया पी ओ, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां पर हमने एक मीडियन ड्रॉ किया। तो ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज हमें शो करनी है। क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, आइए देखते हैं। सबसे पहला एरिया, एरिया की बात करें, एरिया ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने क्या लिखा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं, ये आपको पहले क्वेश्चन में प्रूव करना होगा या दिया होगा। दे आर सिमिलर, पहले से सिमिलर हैं तभी ये रिजल्ट आप लगा सकते हैं। तो अगर ये सिमिलर हैं तो हम क्या लिखेंगे, एरिया एबीसी एरिया पी क्यू आर इक्वल टू, जो इनके एरिया में रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के, ये देखिए क्रॉस ए बी का स्क्वायर किया और पी क्यू का स्क्वायर किया उसके बराबर होगा। तो इस तरह से हम सारी साइडें लिख लेंगे, पी आर का स्क्वायर और यहां लिखेंगे बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ये तो सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आ गई होगी बच्चों कि इसमें हमने क्या लिखा है। इसमें हमने ये कहा है कि एरिया ए बी सी और पी क्यू आर के एरिया में जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर में रेशियो के बराबर होता है। एक और इसी में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पी क्यू आर हमने लिखा और इक्वल टू, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो ये कि मीडियन के भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर के भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये पहली, ये दूसरी और एक थर्ड, एरिया ट्रायंगल एबीसी एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर। थर्ड में हम इनके मीडियन के स्क्वायर के भी बराबर लिखते हैं, एके का स्क्वायर अपॉन पीएम का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी हर एक चीज में रेशियो जो होगा वो बराबर होगा,
रेशियो इन देयर एरिया इक्वल टू इस रेशियो इन क्रॉस रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या मीडियन के स्क्वायर के बराबर या परपेंडिकुलर ए एन स्क्वायर अपॉन पी क्यू पी ओ, इसको हमने पी क्यू लिख देना है पी क्यू का स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी में सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो भी हम जान लें, उसे हम नाम देते हैं थेल्स थ्योरम। उसे डाल देते हैं थेल्स, टी एच ए एल ये थेल्स, थेल्स थ्योरम हम उसे नाम देते हैं। क्या कहती है थेल्स थ्योरम? वो ये कहती है कि अगर आपने कोई ट्रायंगल बनाया है इस प्रकार से, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और कोई भी एक लाइन पैरेलल आप ड्रॉ करें पी और क्यू, पी और क्यू आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी किसके, बेस के, तो पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है, इट इज गिवन। देखिए मैं बहुत ही सिंपल मैनर में रखना चाहता हूं जो आपके दिमाग में बैठ जाए, समझ में आ जाए। तो पी क्यू पैरेलल है बी सी के और इट इज गिवन, ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन। तो थेल्स की थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करें थर्ड साइड के, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ये जो लाइन होती है वो अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यूसी, ये आपको याद कर लेना है। एपी अपॉन, इसी को ही मॉडिफाइड करके, मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाता है, मॉडिफाइड फॉर्म में आप देख सकते हैं, देखिए जैसे आपने इधर एपी लिखा तो आप अपॉन में ए बी लिख सकते हैं, तो आपने देखिए इधर एपी और ए बी लिखा तो फिर इधर ए क्यू और ए सी लिख दीजिए, ए क्यू और ए सी, ये भी आप लिख सकते हैं। मतलब ये सब थेल्स थ्योरम पर ही बेस्ड है, ये इसी के ही अपडेटेड वर्जन है। तो ये इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया थेल्स थ्योरम के बारे में, और यही प्रॉपर्टी थी सिमिलर की जो मैंने आपको डिस्कस कराई। अब फिर से थोड़ा सा कम बैक करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री में आपने पिछले टर्म पे हमने काफी फॉर्मूले बताए थे, और ट्रिग्नोमेट्री के लिए बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये आप एंगल थीटा ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इस हिसाब से आप क्या लिखते हैं साइन थीटा, मतलब ए बी अपॉन ए सी, फिर उसी तरह से कॉस थीटा, सी बी अपॉन ए सी, फिर उस तरह से टेन थीटा और ए बी अपॉन सी बी। और साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, साइन का अपोजिट कॉसिक, कॉसिक थीटा, तो वो हम लिख देते हैं ए सी अपॉन ए बी, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, वो हम लिख देते हैं ए सी अपॉन सी बी, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, वो हम लिख देंगे सी बी अपॉन ए बी। तो ये फॉर्मूले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज जो हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्ली एम एन टी ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए दो तरह के एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, ये कौन से एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दो एंगल का सम 180 हो तो ये कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, कहलाते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हमें डिस्कस करना, तो देखिए उसके फार्मूले को मैं केवल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है 90 माइनस थीटा, एज इट इज, अभी आप याद कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो स्पेसिफिक होंगे चैप्टर पर, अभी आपको क्या करना है इसको नोट कर लेना और इसको कई बार रिवाइज, साइन 90 थीटा कॉस थीटा, कॉस 91 थीटा साइन थीटा, और 10 91 थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, फिर
हम यहाँ बात कर लें सेक की, सेक 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा कॉसिक थीटा, फिर कॉसिक 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो ये आपको याद कर लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं को इसको ऐसे याद करिए, साइन का कॉस में कन्वर्जेंस हो जाता है, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसिक में, कॉसिक का सेक में कन्वर्जन हो जाता है। इसी में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के, तो हमने ये फॉर्मूला आपको बता दिया, इसको आपको याद कर लेना है। अब हम इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी हम लोग समझ लें। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि इसमें कई बेसिक फॉर्मूले हैं, लेकिन उन सब में सबसे पहले आता है ये क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जहां एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट होता है जीरो पॉइंट। देखिए इस पर कहीं भी ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये जो डायरेक्शन होती है ये पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और ये वाली डायरेक्शन निगेटिव होती है, और ये भी निगेटिव होती है डायरेक्शन। तो इस देखिए जब हम कभी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो उसको इस तरह से लिखा जाता है ए कॉमा बी। ए हमेशा एक्सेस पर रन करता है, एक्स एक्सेस पर रन करता है, और बी हमेशा वाई एक्सेस पर रन करता है। ए ए जो रन करता है वो एक्स एक्सेस पर, बी रन करता है वाई से। ए को हम एब्सिसा बोलते हैं और बी को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस प्लस होते हैं। दोनों ही का मतलब एक्स का और वाई का, दोनों की वैल्यू प्लस में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों ये माइनस की डायरेक्शन है, एक्स किस में है? माइनस में। तो सबसे पहले माइनस लिख दोगे, और ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों के दोनों आपके माइनस में होंगे, ये दोनों दोनों में आपके माइनस में होंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस में होगा और वाई वाला माइनस में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये चारों क्वाड्रेंट को मैंने डिफाइन कर दिया। और इसमें सबसे एक, तो जब भी कभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट का मतलब हो जाता है एक्स और वाई में। जैसे हमने कहा 2, 3, तो ये करेक्ट वे लिखने का, लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया 2, 3 तो ये गलत है, या आपने ऐसे लिखा 2, 3 तो ये गलत है। जरूरी है कि इसके बीच में कॉमा लगा। ये कॉमा ये एक सिंबॉलिक है, एक तरीका है, एक मेथड है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को डिफाइन करने का। अब इसी में हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है वो देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे ये दो पॉइंट दिए हैं, ए ये है, बी ये है, और ये आपका है एक्स वन कामा वाई वन, एक पॉइंट ये, और एक आपका पॉइंट ये है एक्स टू कामा वाई टू। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस के लिए बहुत सिंपल, डी फॉर डिस्टेंस स्क्वायर रूट लिखते हैं, और यहां लिख देंगे एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना है। और भी बहुत सी चीजें हैं, जब हम चैप्टर में इंट्रोड्यूस होंगे, जब चैप्टर में एंट्री लेंगे तो हम उन चीजों को और डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक इट।